चलिए खबरों में बढ़ते हैं आगे। खरगोन में रामनवमी के दिन हुई हिंसा की नई तस्वीरें सामने आई है और कई सीसीटीवी कैमरों में उपद्रवियों की करतूत कैद हो गई है। दंगाई मकानों और दुकानों को चुन चुन कर निशाना साध रहे हैं, आग के हवाले करते हुए नजर आ रहे हैं। और ये देखिए नई तस्वीरें सीसीटीवी में, ये सब कुछ कैद हो चुका है। किस तरह से पत्थरबाजी हुई, नुकसान पहुंचाया गया, ये पूरा बवाल एक नई तस्वीर सामने आती है, क्योंकि चुन चुन कर हमले करते हुए यहां पर दंगाई नजर आते हैं। देखिए ये उसी की वानगी है, मध्य प्रदेश, ये खरगोन की ये पूरी घटना। लेकिन इसके बाद प्रदेश सरकार एक्शन में, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा लगातार बड़ी कार्रवाई कर रहे हैं और कह रहे हैं कि दंगाई बख्शे रह जाएंगे। अब भी खोल रहा है खरगोन, खरगोन में जारी है कर्फ्यू। जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं जख्मी शिवम। दुआ कीजिए शिवम की बच जाए जिंदगी। शिवम को कुछ हुआ तो खरगोन में क्या होगा? इस सवाल का जवाब नहीं है कि शिवम अपने संग्राम में जीत नहीं पाए तो क्या होगा। राहत की बात बस इतनी है कि आज वो होश में आ गए हैं। डॉक्टरों का कहना है कि खतरे से धीरे धीरे बाहर निकल रहे हैं, लेकिन 17 अप्रैल को उनकी बहन की शादी थी जो टल गई है। परिवार को फिलहाल यही चिंता सताई जा रही है कि उनका लाडला चंगा होकर जल्द घर लौटे। को जाना था निसरपुर, पर बोले कि आज जुलूस देख के मैं कल सुबह जाऊंगा, बोले आज नहीं जाऊंगा निसरपुर, कल सुबह से जाऊंगा, जुलूस देख के जाऊंगा, और अचानक उसके साथ ये घटना हो गई। आप क्या कहना चाहेंगे? प्रार्थना, प्रार्थना कर रही, भगवान उसको बढ़िया कर दे, एकदम अच्छा करके ला दे घर पे। उधर शहर में अब भी कर्फ्यू जारी है, हालांकि बीच बीच में कुछ घंटों की छूट दी जा रही है। 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक कर्फ्यू में छूट दी गई है, लेकिन एक के बाद एक आते नए वीडियोस के बाद ये कहना मुश्किल है कि हालात कब तक गंभीर बने रहेंगे। मसलन इस नई वीडियो को देखिए, मकानों और दुकानों पर किस तरह चुन चुन कर हमले बोल रहे हैं दंगाई। घरों के दरवाजे तोड़कर अंदर घुसने की भी कोशिश की गई। गलियों में आलम ये था कि पत्थरों से घरों पर हमले बोल रहे थे दंगाई। जो उपद्रवी मकानों की छत पर थे उन्होंने कुछ खास घरों पर ही निशाना साधा। जामा मस्जिद के पीछे जमकर बवाल हुआ, दंगाइयों के हाथों में सरेआम लहराती दिखी तलवारें। वैसे दंगों के बाद पुलिस की ज्यादती भी मोबाइल कैमरे में कैद हुई है। कर्फ्यू के दौरान बाहर निकलने पर युवकों को बुरी तरह पीटा गया। खरगोन की कलेक्टर कह रही हैं कि स्थिति सामान्य होने में वक्त लगेगा। तो खरगोन हिंसा को लेकर नया वीडियो सामने आ गया है और तनाव और बढ़ चुका है। और ज्यादा जानकारी के लिए रुक करते हैं मध्य प्रदेश का, रवीश पाल सिंह हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। रवीश, जैसे जैसे और तस्वीरें सामने आ रही हैं और तनाव बढ़ता जा रहा है और दंगाई बेनकाब होते जा रहे हैं, क्या कुछ एक्शन लिया जा रहा है? और जो युवक 16 साल का शिवम है उसकी हालत क्या है? देखिए, सबसे पहले हम शिवम की बात करते हैं। शिवम की स्थिति अब पहले से काफी बेहतर हो गई है। एक वक्त ये लग रहा था कि शायद बहुत मुश्किल होगा ये शिवम के लिए, लेकिन अगर बीते दो दिनों की बात करें, 48 घंटों से उसकी सेहत में लगातार सुधार हो रहा है और शिवम को अब जो है प्राइवेट वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है। पहले शिवम वेंटिलेटर पर था, बीते दो दिनों से उसकी तबीयत बेहद ज्यादा एक तरीके देखा जाए तो अच्छी हुई है, सुधरी है, और ये एक बेहद ही सकारात्मक संकेत है, क्योंकि शिवम का पूरा परिवार जो है इसकी वजह से, इस घटना के बाद से ही बेहद सदमे में है। शिवम की बहन की शादी होनी थी 17 अप्रैल को, लेकिन अब वो अगले कुछ महीनों के लिए टल गई है जब तक शिवम पूरी तरीके से स्वस्थ ना हो जाए। लेकिन एक अच्छी खबर है कि शिवम अब बेहतर हो रहा है पहले से। लेकिन अब दूसरी बात करते हैं, जो आपने बात कही वीडियो की, ये जो लगातार नए वीडियो सामने आ रहे हैं इससे आप देखिए कि रोज नए खुलासे हो रहे हैं। अभी तक ये मान के चला जा रहा था कि दरअसल ये जो पूरी हिंसा हुई है ये अचानक से जो रामनवमी का जुलूस निकला है उसके बाद शुरू हो गई, लेकिन ये जो वीडियो आप देखेंगे, इस वीडियो की पड़ताल अगर आप करेंगे तो वीडियो दर वीडियो ये मालूम होता जा रहा है कि कहीं ना कहीं सवाल उठ रहा है बार बार कि क्या तैयारी पहले से थी। कोरोना से बचाने में मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग कारगर साबित हुए हैं। लोकल सर्किल के एक सर्वे में दावा किया गया है कि कोरोना की अलग अलग लहरों के दौरान जितने भी लोगों ने मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का इस्तेमाल किया था, यानी कि पालन किया था, उनमें से ज्यादातर इसकी चपेट में आने से बच गए। अब दुनिया भर में फैलते XE वेरिएंट से बचने के लिए भी इसी तरीके को अपनाने की सलाह दी जा रही है।
कोरोना के नए एक्सई वेरिएंट के मिलने के साथ ही देश में एक बार फिर कोरोना के मामले तेजी से बढ़ने लगे हैं। ऐसे में लोगों को सावधानी बरतने की जरूरत है। वैक्सीनेशन के साथ ही वैक्सीनेटेड लोगों को बूस्टर डोज लेकर अपना बचाव करना चाहिए, लेकिन इसके साथ ही कोरोना से बचाव में मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग भी कामयाब साबित हुए हैं। बीते दो साल में देश और दुनिया में कोरोना महामारी ने जमकर कहर बरपाया है। इस दौरान काफी लोग संक्रमित हुए, लेकिन इससे बचने वालों की तादाद भी अच्छी खासी रही। लोकल सर्कल्स के सर्वे में दावा किया है कि मास्क पहनकर और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करके लोगों ने कोरोना से बचने में सफलता हासिल की है। सर्वे के मुताबिक मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से 80% भारतीय परिवार कोरोना वायरस संक्रमण की चपेट में आने से बच गए। लोकल सर्कल्स ने देश के 345 जिलों के 29,000 से ज्यादा लोगों से मिली प्रतिक्रियाओं के आधार पर यह सर्वे तैयार किया है। लोकल सर्कल्स ने यह सर्वे ज्यादातर राज्यों में कोरोना वायरस से जुड़े प्रतिबंधों के हटने के बाद किया है। इस सर्वे के मुताबिक पिछले दो साल में 57% भारतीय परिवारों में से एक या ज्यादा लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हुए हैं। जिन लोगों ने मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने में कोताही नहीं बरती, उनमें से 80% परिवार इस संक्रमण से बच गए। साफ है कि मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग भले ही 100% कारगर साबित ना हुआ हो, लेकिन 80% के सक्सेस रेट के साथ ये डिस्टिंक्शन लेकर पास हुआ है। किसी वेरिएंट में कितने प्रभावशाली बदलाव आए हैं, जब तक इन सभी की जांच ना हो जाए तब तक गंभीर बीमारी होने का खतरा भी बना रहेगा। लेकिन कोई भी वेरिएंट आए और वो कितना भी डेडली हो, इन सभी से बचाव के लिए जो बेसिक कोविड बिहेवियर्स हैं वो सबसे ज्यादा इफेक्टिव है। इसलिए चाहे मास्क मैंडेट ना हो, पर फिर भी जब भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाएं तो हमेशा मास्क पहन कर जाएं। और अगर आप अपने घर में या किसी भी क्लोज जगह पर कोई गैदरिंग कर रहे हैं तो इंश्योर कर लें कि वो प्रॉपरली वेंटिलेटेड हो। ये सभी सावधानियां आपको कोविड के साथ साथ अन्य रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम से भी बचाएगी। ऐसे में एक्सई वेरिएंट से बचने के लिए लोकल सर्कल के सर्वे के मुताबिक मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग जरिया बन सकता है, क्योंकि कोरोना से बचने वाले लोगों का दावा है कि कोरोना की लहरों के दौरान उन्होंने मास्क पहना और सामाजिक संपर्कों को घटा दिया। साथ ही लोगों से मिलने के दौरान दूरी बरतने का सख्ती से पालन किया। इस सर्वे में कहा गया है कि 33% लोगों ने कहा कि वो या तो लोगों से घर से बाहर मिले या विशेष हालात में घर में मिलने पर वेंटिलेशन का ख्याल रखा। एक या ज्यादा सदस्यों के संक्रमित होने वाले परिवारों में से 74% ने कहा कि वो सामाजिक संपर्क को कम करने और मास्क पहनकर संक्रमण से बच सकते थे। यानी ये सर्वे आगाह करता है कि अगर अब एक्सई के मामले बढ़ते हैं तो उससे पहले ही मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करके इस नए वेरिएंट से बचने की कोशिश करना फायदेमंद रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक। सालों बीत जाने के बाद भी यूनिटेक के घर खरीदार गृह प्रवेश का ऐसा इंतजार कर रहे हैं, जद्दोजहद कर रहे हैं, जो कभी खत्म होगा किसी को पता भी नहीं है। सरकार के टेक ओवर के बावजूद यूनिटेक के बायर्स की समस्याओं का कोई भी समाधान नहीं निकल पा रहा है। उधर नोएडा अथॉरिटी ने ब्याज पर ब्याज लगाकर यूनिटेक की बकाया रकम को कई गुना बढ़ाकर घर खरीदारों की मुश्किलें और भी बढ़ा दी है। यूनिटेक के नोएडा में बनाए जा रहे प्रोजेक्ट्स में घर बुक कराने वाले लोगों को बरसों बीत जाने के बाद भी अपने आशियाने का इंतजार है। कंपनी के दिवालिया होने और सरकार के टेक ओवर करने के बावजूद भी लोगों को अपने घर के पोजेशन की कोई आस नजर नहीं आ रही है। जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज हैं, बेशक सुप्रीम कोर्ट हो या नोएडा अथॉरिटी हो, जो भी उनके रीजंस है, ऑफिशियल फाइनेंशियल इकोनॉमिक रीजंस है, बट इसका जो पूरा जो सफर कर रहा है वो एक होम बायर सफर कर रहा है मेरे जैसे। यूनिटेक जो है 12 साल से अटका हुआ है, एंड 12 इयर्स अ वेरी लॉन्ग टाइम, जिसमें लोग बाग जो है हाउसिंग लोन भी चुकता कर रहे हैं, लोग बाग अपनी ई एम आई भी
हाउसिंग लोन की दे रहे हैं और साथ में लोग बाग जो है किराया भी दे रहे हैं। आप जब समझिए कि लोगों के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा होगा इसका, जहाँ पे ईएमआई तो जा ही रहा है और रेगुलरली, और उनको साथ में किराया भी देना पड़ रहा है। जिस किस्म की आप मीटिंग करा रहे हैं, जिसके अंदर बिल्डर फिर से एक दोहरा दोबारा वादा करते हैं कि अगले एक साल, दो साल, तीन साल के लगभग वो मिल जाएगा, कई और बहाने इसमें बीच में शामिल होते हैं कि मैनेजमेंट बदल गया, मैनेजमेंट बदलने से शायद परिणाम कुछ अनुकूल होंगे और बिल्डर कंस्ट्रक्शन करेगा, लेकिन साहब दरअसल नीयत बदलने की आवश्यकता है, मैनेजमेंट बदलने। दरअसल यूनिटेक ग्रुप नोएडा विकास प्राधिकरण का सबसे बड़ा बकायदार बिल्डर है। यूनिटेक बिल्डर का अथॉरिटी पर 9,678 करोड़ रुपए बकाया है। 2006 से 2011 के बीच में यूनिटेक बिल्डर को 5 प्लॉट्स आवंटित किए गए थे। बिल्डर ने इसके लिए केवल न्यूनतम रकम ही अथॉरिटी में जमा कराई थी। इसके बाद बिल्डर ने अथॉरिटी में कोई भी किश्त जमा नहीं की है। ऐसे में नोएडा प्राधिकरण अब यूनिटेक बिल्डर के खाली पड़े प्लॉट को लेना चाहती है और इसके लिए उसने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा भी दाखिल किया है। नोएडा के सेक्टर 144 में ग्रुप हाउसिंग के 3A और 3B प्लॉट खाली पड़े हुए हैं, जिसमें कोई भी निर्माण कार्य अब तक यूनिटेक की तरफ से नहीं किया गया है। हालांकि इस मामले में नोएडा अथॉरिटी के ब्याज के खेल ने भी ग्राहकों के गृह प्रवेश के सपने को पूरा होने से रोक रखा है। दरअसल यूनिटेक को सेक्टर 96, 97 और 98 में 1,622 करोड़ की जमीन का आवंटन हुआ था, जिसमें से बिल्डर ने 435 करोड़ जमा किए और बाकी रकम ब्याज पर ब्याज लगकर 6,458 करोड़ रुपए हो गई है। इसी तरह सेक्टर 113 में 249 करोड़ रुपए की जमीन पर बिल्डर के 151 करोड़ रुपए जमा करने के बावजूद ब्याज समेत 1,103 करोड़ रुपए बकाया हो गया है। इसी तरह सेक्टर 117 के बकाया को मिलाकर यूनिटेक पर कुल 9,678 करोड़ रुपए बकाया हो गया है। ऐसे में यूनिटेक का कंट्रोल सरकार के पास चले जाने से इस रकम का भुगतान सबसे बड़ी समस्या बन गया। वैसे तो सुप्रीम कोर्ट अथॉरिटी को साधारण ब्याज पर लेट पेमेंट वसूलने का निर्देश दे चुका है, लेकिन अथॉरिटी ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटिशन दाखिल किया है। इस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद ही स्थिति साफ होने की उम्मीद है। अथॉरिटी की पॉलिसी पैरालिसिस के कारण ही आज अथॉरिटी का जो बकाया है वो मूल आवंटन की कीमत से कई गुना ज्यादा हो चुका है। रामनवमी के दिन सिर्फ खरगोन नहीं बल्कि देश के कई हिस्सों में हिंसा हुई थी। क्या इस हिंसा के पीछे कोई अंतरराष्ट्रीय साजिश या कहें कि आतंकी साजिश थी? इस सवाल की पड़ताल आज तक संवाददाता अरविंद ओझा ने की। 10 अप्रैल रामनवमी के दिन मध्य प्रदेश का खरगोन, झारखंड का लोहरदगा, बिहार का मुजफ्फरपुर, गुजरात का आनंद और साबरकांठा, इसके अलावा पश्चिम बंगाल की हावड़ा तक हिंसा की तस्वीरें और खबरें आपने देखी सुनी। आज आपको देखना है कि क्या रामनवमी हिंसा के पीछे साजिश है। मेरे मुसलमान भाइयों और विलायत हिंद में बसने वाले मुजाहिद सिपाही, सवाल की वजह नंबर एक, मध्य प्रदेश के खरगोन में हिंसा हुई, गोली तत्कालीन एसपी के पैर में लगी, वो मौके पर मौजूद थे, जख्मी एसपी की आंखों देखी बात को ध्यान से सुनिए। अचानक ही एक तरफ से पत्थर आने शुरू हो गए, जब पत्थर आए तो फिर दूसरे पक्ष ने भी पथराव किया और पुलिस वहां जो भी उपस्थित तत्काल ही मौके को नियंत्रित किया। मौके पर थोड़े दिन में स्थिति समान होने पर जुलूस को पुनः प्रारंभ कर दिया गया था और उसके पीछे भी कुछ कॉलोनियों में हिंसा, आगजनी की, कुछ पथराव की खबरें आने लगी तो पुलिस वहां पर जब लोग वहां पहुंचे तो फिर पथराव के साथ साथ खरगोन में रामनवमी के दिन हिंसा होती है, एसपी को गोली लगती है। मौके पर मौजूद रहे एसपी स्थिति सामान होने के तुरंत बाद अचानक तलवार, पत्थर और गोली चलाए जाने की बात कहते हैं। तो क्या मध्य प्रदेश के खरगोन में रामनवमी के दिन हुई हिंसा के पीछे कोई साजिश थी? मेरे मुसलमान भाइयों और विलायत हिंद में बसने वाले मुजाहिद सिपाही, साजिश के सवालों को अब इस पर्चे के भीतर से देखना शुरू करिए जो रामनवमी हिंसा के बाद सामने आता है। पर्चे पर लिखा है, आत्मरक्षा के लिए तैयार रहे मुस्लिम, खुद से प्रतिरोध करे मुसलमान, अलर्ट रहे मुसलमान। ऐसे पर्चे बांटने के पीछे क्या मकसद है? खरगोन में हिंसा के बाद जब सरकार कार्रवाई तेजी से करती है, इसके बाद अचानक विवादित इस्लामिक संगठन PFI की छात्र इकाई एक पर्चा निकालती है। पर्चे में
मुस्लिमों को कहा जाता है कि वो आत्मरक्षा के लिए तैयार रहें। एक वर्ग को भड़काने वाले और उकसाने वाले ये पर्चे क्या रामनवमी की हिंसा से जुड़ी साजिश का हिस्सा हो सकते हैं? मेरे मुसलमान भाइयों और विलायत हिंद में बसने वाले मुजाहिद सिपाही। तीसरी अहम कहानी रामनवमी के ही दिन झारखंड के लोहरदगा में भी दोनों पक्ष सामने आए। हिंसा हुई, लेकिन हिंसा से बड़ा सवाल उठाया प्रशासन ने। सभी साथ मुहर्रम हो, रामनवमी हो, ईद हो, सब साथ मनाते थे, सरहुल हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं थी। यहाँ पर कुछ ग्रुप जिनको हम स्लीपर सेल्स कह रहे हैं, वो लोग आए हैं और यहाँ के सद्भावना को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। इतना तो है कि कुछ बाहर के लोग आते जाते पाए गए हैं अतीत में, पिछले अभी नहीं पहले, तो ये इस पर जांच होगी, जांच करेंगे, प्रशासन करेगा। क्या सबूत नंबर 3 यही है जहां झारखंड में दो पक्षों के बीच रामनवमी के दिन हुई हिंसा के पीछे प्रशासन स्लीपर सेल तक की बात कहता है? तो क्या ये एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी की दस्तक की तरफ इशारा है जहां झारखंड में एक मंत्री हिंसा के पीछे बाहरी तत्वों के दिमाग की बात कहते हैं? तो वो बाहरी कौन है, कितने बाहरी हैं? क्या देश के बाहर से रामनवमी के दिन हुई हिंसा की साजिश तो नहीं रची गई? मेरे मुसलमान भाइयों और विलायत हिंद में बसने वाले मुजाहिद सिपाही, रामनवमी के 8 दिन पहले हिंदू नववर्ष की शुरुआत के दिन तारीख 2 अप्रैल थी। राजस्थान के करौली में दो पक्षों में हिंसक झड़प हुई, जिसके बाद FIR लिखी गई। पुलिस की तरफ से ही लिखाई FIR में पुलिस ने कहा कि शोभा यात्रा पर हमले को सुनियोजित साजिश के तहत अंजाम दिया गया। क्या राजस्थान के करौली में साजिश से जो ट्रायल हुआ वो रामनवमी के लिए था? ये हम नहीं कह रहे, ये शंका राज्यों से लेकर देश की तमाम जांच एजेंसियों को भी है। सभी को लगता है कि रामनवमी के दिन देश के 6 राज्यों में हुई हिंसा के पीछे कोई बड़ी साजिश थी। आज तक आपको उन तमाम साजिशों के सिरों को जोड़कर आज आप तक पहुंचाएगा मैं अरविंद ओझा उस कहानी के वीडियो, मैगजीन, दस्तावेजों और दावों को खंगाल कर लाया हूँ। मेरे मुसलमान भाइयों और विलायत हिंद में बसने वाले मुजाहिद सिपाही।